अबे हार्दिक पांड्या, इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी, तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? तुमने तो पूरी इंडियन टीम को ही लुल बना दिया। मुझे तो लग रहा था सीरीज तो आसानी से जीत जाओगे, लेकिन तुमसे एक कालू टीम को भी नहीं हरा पाए। लानत है तुम पे अबे हार्दिक पांड्या, खुद को तो बेस्ट फिनिशर समझते थे, एक ही मैच जितवा नहीं सके तो अब तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हाँ विराट भाई, मैं प्रैक्टिस तो कर रहा था, पर क्या उस चूर ने ऐसी गेंद डाली, ऐसी फील्डिंग लगाई कि रन ही नहीं बन रहे थे, मैं भी बोर हो गया था। अबे हार्दिक, खुद को तो बहुत कुंफू पांड्या समझता था, अब तो क्या तुम एक मैच भी जीतवा नहीं सके? यार मैं तो तुम पे बहुत भरोसा कर रहा था, मैं तो यही सोच रहा था, अच्छा हुआ तुम्हें हमारे आईपीएल टीम से भी निकाल दिया गया। तुम एक काम करो, अब घर जाओ और बस गली क्रिकेट की प्रैक्टिस करो, तुमसे तो एक मैच जीतवा नहीं सकता, और ख्वाब तो तुम कप्तानी के देख रहे हो। अबे हिटमैन बुटमैन, तुम्हें कुछ अकल भी है? वेस्ट इंडीज से तुम्हें जीत जाता, लेकिन आईपीएल के स्टार शुभमन गिल कुछ भी नहीं कर सका। उसने तो गिल ने भी तो इंडिया की टंकी भी फिल नहीं कर पाया। और दूसरी बात, भारत के 360, जी हाँ सूर्यकुमार यादव, वो भी कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें क्या मैं अकेला ही दिख रहा हूँ? नहीं नहीं रोहित भाई, इस हार्दिक पांडुरंगा की बातें मत सुनो यार, ये तो खुद कुछ नहीं कर पाया, बस दूसरों को ताने मारते रहेगा। चल हार्दिक, मैं तुम्हारे लिए टिकट लेके आया हूँ। कौन सी टिकट माही भाई? अभी वेस्ट इंडीज के दौरे पर तो तू कुछ नहीं कर पाया, अब प्लेन की टिकट की बात थोड़ी ना मैं कर रहा हूँ। अब तू जाले जा ट्रेन से, मेरा पैसा भी डिस्काउंट में नहीं मिला। चलो डिस्काउंट मिल जाएगा, बस ट्रेन वालों को मेरा नाम बता देना।